इतना सब होने के बाद भी ये गाड़ी दोनों तरह की बातें हैं, केसेस निकल भी रहे हैं और केसेस ठीक भी हो रहे हैं। ये एक ऐसी वैश्विक महामारी है कि स्वाभाविक रूप से इसका फैलाव स्पर्श मात्र से हो जाता है, जीवाणुओं से हो जाता है, सांस के द्वारा हो जाता है, इसलिए है। लेकिन प्रसन्नता ये है कि अभी तक चिरायु में कोई मौत भी नहीं हुई है और हमारे सेंटर ठीक से काम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा जंप इंदौर में, जैसे पर कल कुछ नहीं हुआ था, डबल डिजिट पे ही रहा, कल तो ट्रिपल डिजिट पे ही नहीं हुआ। भोपाल में 1000 सैंपल भेजे थे, कुल 14 पॉजिटिव आए थे, 2084 सैंपल टेस्ट जो हुए वहाँ इंदौर के उसमें से 74 आए थे, लेकिन एक जंप आने का था, मैं पहले से कह रहा था 165 हुए। क्या नहीं, प्रदेश में सख्ती की बात कहाँ से आ गई? लॉकडाउन नहीं, मुझे नहीं लगता है। 3-4 जिले हैं जिनके ऊपर विशेष कोई रणनीति नए प्रकार की बनानी है या करना है ऐसा, चूंकि लॉकडाउन रहना नहीं रहना ये माननीय टीम मोदी तय करती है, माननीय प्रधानमंत्री जी तय करते हैं, मुख्यमंत्री जी तय करते हैं, तो जैसी परिस्थिति बनेगी 3 तारीख के बाद विचार करेंगे। सर, एक सवाल और है कि जो कोरोना वॉरियर हैं, खासकर डॉक्टर, नर्स, ये लोग बड़े तेजी से संक्रमित हो रहे हैं, तो क्या इनके पास सुविधाओं की कमी है या कुछ वो सतर्कता नहीं बरत रहे हैं या कुछ और वजह है? मेरे ख्याल से तो दोनों तीनों काम बुक कर रहे हैं, पर कभी कभी कोई मानवीय त्रुटि परेशान कर देती है, कोई ना कोई मानवीय त्रुटि उससे ही प्रभावित होंगे, क्योंकि हजारों में 2-3 निकलते हैं ना, तो इसलिए लगता है। सर, आर्थिक तंगी कारण सरकार बहुत सारी योजनाएं बंद करने की बात नहीं है, अभी फिलहाल तो आर्थिक स्थिति को हम कैसे ठीक करें इस पर चर्चा चल रही है। तो सर, आप अब ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जंप नहीं आएगा, जो बड़ा जंप आने का था अब स्टेबल रहेगा। एक हाथ जंप के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि स्थिरता आएगी। सर, बढ़ने की वजह क्या है, माने जो केसेस लगातार? हमने तो बताया था प्रारंभ से कि जो जमात के लोग आए थे वो इतने नीचे उतर गए थे, जमाती लोग इतने नीचे उतर गए थे, और फिर जब हमारी टीम गई वहाँ पर तो पथराव हो गया, उस पर हाथ काट दिए, पुलिस को मारा, डॉक्टरों को मारा, थूकना, इंटेंशनली थूकना, इस तरह की जो घटनाएं हुई उनसे थोड़ा विलंब हुआ, इसके कारण फैल गया। कंट्रोल हो जाएगा।